खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र के ढाबला गांव में एक अधेड़ व्यक्ति से प्लास्टिक की थैली में 25 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे का बाजार मूल्य 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को कार्रवाई कर आरोपी दूरसिया उर्फ दुरसिया पिता गंगाराम 54 वर्ष निवासी वर्ती फालिया ढाबला को हिरासत में लिया है। पुलिस को गांजे की खेती की खबर थी। पुलिस ढाबला गाँव के वर्ती फालिया समीप खेत पहुंची। सुराग लगा कि एक दूसरा व्यक्ति अन्य रास्ते से थैली में गांजा भरकर बेचने जा रहा है। मौके पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि आरोपी NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र चौहान साहब के द्वारा निर्देशित किए जाने पर एक टीम गठित की गई है। उक्त टीम को मुखबिर की सूचना कल दिनांक को प्राप्त होने पर ग्राम ढाबला के दुरसिया और दूर सिंह पिता गंगाराम बारेला अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने के लिए कहीं लेकर के जा रहे हैं, तुरंत दबिश दें तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जिसमें उप निरीक्षक पवार और मैं और मेरी टीम के जो भी लोग हैं बिस्टान थाने के, इन लोगों ने मात्रित जाकर के कार्रवाई की और दूर सिंह के कब्जे से 25 किलो गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त गांजे का विक्रय और किन लोगों को किया जाना था और इसमें कौन कौन लिप्त हैं, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। क्या शुभ नाम सर? उप निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाहा थाना विश्व। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।